दोस्तों टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, सुमन गिल हुए वर्ल्ड कप 2023 से बाहर। दोस्तों आखिरकार कौन हुए टीम इंडिया से बाहर और किसको मिला टीम इंडिया में एंट्री, वो सब तो आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले शिखर धवन, डेविड वॉर्नर और रोहित शर्मा में से कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं, वर्ल्ड कप 2023 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर 2023 तक चलने वाला है और इसमें कुल मिलाकर 48 मुकाबले खेले जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, वर्ल्ड कप 2023 में इस बार कौन कौन सी टीमें भाग ले रही है, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, नीदरलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका टीमें भाग ले रही है। तो दोस्तों अब बात करें टीम इंडिया की, क्या बड़े बदलाव हो सकती है। भारतीय टीम की युवा बल्लेबाज शुभमन गिल इस समय काफी अच्छे परफॉर्म में चल रहे हैं और दोस्तों शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिया था। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 से ठीक पहले शुभमन गिल का स्वास्थ्य खराब हो गया है। इसके चलते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को होने वाले मुकाबले के लिए शुभमन गिल टीम में मौजूद नहीं रहेंगे। शुभमन गिल की तबीयत बिगड़ने के बाद एक बार फिर से टीम इंडिया ने शिखर धवन की तरफ नजर रखते हुए बात कही है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि शिखर धवन को वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया की स्क्वाड में शामिल करना चाहिए या नहीं।